पीहू तो कल आने वाली थी। अब फर्क पड़ेगा तुम्हें नहीं पता? नहीं, एक सेकंड, आप ये ग्रूमिंग सेंटर वाले हैं ना? अनन्या नाम भी है मेरा, और तुम वो चीनी वाले के मंगेतर हो ना? हाँ, आरव। मंगेतर चीन? हाँ पीहू, मंगेतर है मेरी। मुझे ना पहले ही समझ में आ जाना चाहिए था, हर रोज जो मुंह उठा के आ जाती थी ना मेरे घर, कभी चीनी मांगने, कभी चाय पत्ती मांगने, कभी ईयरफोन मांगने, पहले पता चल जाना चाहिए था कि पति चोर है वो। साला पति चुरा के लेके चली गई मेरा। लेटर का है? कौन से लेटर की बात कर रहे हैं? अरे चीफ, क्या हो गया? हाँ भाई, आए हो? कौन कहाँ है? अरे इनके पति और कौन? अरे बता रहा है, ले जरूर थाने। अब नहीं, थाने जाने की क्या जरूरत है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इनका पति भाग गया है। कहाँ भाग गया? मुझे कैसे पता होगा? अरे तो कैसे पता होगा, उसे ही इसके साथ भागा है। अरे किसके साथ भागा है? अब वो है मेरी मंगेतर के साथ भाग गया है। अरे तुम ना, आप अपना घर घर खेलना बंद करो एक तो, और ये अपने आपस की प्रॉब्लम खुद ही निपटाया करो। अगली बार अगर फोन किया ना तो थाने में घर घर खेलना, ठीक है? सीरियसली, आपने पुलिस को बता दिया? तो और क्या करती, तुम दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे। वैसे वो लोग जयपुर में हैं। देखिए, मुझे पीहू का पीछा नहीं करना है, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि वो खुद तुम्हारे पास वापस आए, पर वो तुम्हारे पास तब भी तो वापस आएगी जब उसे तुम्हारा ट्रू लव दिखेगा। देखो, सोचो, अगर उसे रियलाइज हो भी जाए कि वेद उसके लिए सही नहीं है और वो उससे अलग भी हो जाए, तब भी वो तुम्हारे पास तो वापस नहीं आएगी। क्यों वापस नहीं आएगी? मतलब क्योंकि तुमने बातें तो तुम्हें स्विट्जरलैंड दिखाने की है, पर हम नोएडा से आगे कभी गए ही नहीं। मैं इस समझौते की जिंदगी अब नहीं जी सकती। हाँ बेबी, हम स्विट्जरलैंड चलेंगे। नहीं पीयू, क्या कर रहे हो? Now just follow me. अभी पीहू वेद के साथ है, उसका ध्यान, उसका टेंशन सब उस पर है। हमें कुछ ऐसा नजारा क्रिएट करना होगा जिससे पीहू की नजरें वेद से हटके तुम पर आ जाए।
देख रही है? आप देख रहे हैं? अभी देखना, थोड़ी देर में वो खुद तुमसे बात करने आएगी। शिट, वो लोग तो बिल पे कर रहे हैं। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही जाता हूँ। थोड़ा रखो, खुद तुमसे बात करने आएगी। हाँ। एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ो। अब उठ के इधर आओ। चुको चुको चुको। कुछ भी रोमांटिक करो। मैं क्या करूं? अरे कुछ भी करो ना, कुछ भी रोमांटिक चलती। रोमांटिक? लेकिन मुझे कुछ भी रोमांटिक नहीं आता, मैं क्या करूं? क्यों क्यों कैसे हो गया? क्या था? I'm so sorry. मुझे कुछ करना नहीं था, आपने मुझे हड़बड़ा दिया और मैंने मैंने जो समझ में आपको किस कर दिया, बस सॉरी। पीयू ने देखा? Oh shit. वो तो यहीं आ रही है। ठीक है, मैं बाथरूम में जा रही हूँ। एटीट्यूड में बात करना होगा। बस क्यों क्यों समझ नहीं। लेकिन आप रुकिए। Hi. What a pleasant surprise. तुम यहाँ कैसे? मेरी छोड़, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डरना मत, confident होके बात करो. And I'm sorry, मैं. अब it's okay. तुम्हें sorry बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं. In fact, मुझे लगता है हम दोनों के लिए यही सबसे अच्छा था. What? I mean, तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है. Then why not me? So here I am in front of you. RF 2.0. Carefree. Adventurous. Confident. It suits you. वैसे वो लड़की कौन थी? कौन? मेरा नाम मत ले लेना. ओह, अच्छा वो. Actually, she is also traveling, like me. तो मैंने सोचा, why not together? It was nice. Look, Arav, I mean, मैं sorry कहना चाहती हूँ. मैं ऐसे तुम्हें बिना बताए चली आई, but it's okay, it's all fine. What? I mean, after all, हम दोनों खुश हैं, और ये तो matter करता है, right? Oh, okay. Bye then. Yeah, bye. See. Very good. चलो बाहर आ जाओ, मैं वहीं बैठी हूँ. अनन्या जी, I'm really sorry. पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, लेकिन मैं वैसा लड़का बिल्कुल नहीं जो आप मुझे सोच रही हैं। मैं सब जानती हूँ। इतने टाइम में तो पता चल ही गया है कि तुम कैसे लड़के। तो माफ किया तुम। Relax. Thank you so much. मुझे तो लगा था कि आप मुझे कभी माफी। ये बार बार आप क्या करते रहते हो? इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? मेरे घर में सब ऐसे ही बात करते हैं। नहीं आता। मैं हूं ना, मैं बताऊंगी। आओ।
नर्वस? हाँ थोड़ा, ऐसे ओपनली सबके सामने पहले डांस किया नहीं, लेकिन आप स्टेज पे परफॉर्म जरूर किया, पर अकेले। स्टेज पर क्या परफॉर्म करते हो? हो नहीं, करता था। एक्चुअली आई लव म्यूजिक, आई प्ले गिटार एंड आई सिंग। वाओ, यू आर अ सिंगर, हाउ रोमांटिक। लेकिन पहले बहुत करता था, अब तो कभी कभी। क्या रोमांस? नहीं नहीं, गिटार। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, कभी कभी क्यों? वो पियू के घर वाले मानते नहीं, तो हम भाग आए। भाग आए तो काम पे लग गए, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, और म्यूजिक लाइन में स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बस मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं एक कलाकार के साथ डांस कर रही हूँ। आप लाइन मार रही? नहीं नहीं, सच बोल रही हूँ। एक मिनट, so ladies and gentlemen, we have a lovely singer tonight, Arav. Arav, the stage is all yours. ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले बात बने। कितना अच्छा पता है ना? प्लीज यार, मैंने पहले ही बोला था इसे जरा इंकरेज मत करो, ये चुप होने का नाम ही नहीं लेगा। फुल टाइम वेस्ट। कोई नादानी मुझे खुद से जोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। Amazing. Thank you so much. अरे, फेक पति पत्नी है हम, और एक फेक पत्नी का ये कर्तव्य है कि वो अपने फेक पति को एनकरेज करे। You know what? Let's celebrate. Let's celebrate you. This new Arav 2.0. कहीं बाहर चलते हैं? गाड़ी चलानी आती है? हाँ आती है। क्योंकि मैं तो दारू पीऊंगी। चलो, जल्दी से चलते हैं, enjoy करते हैं। आओ आओ, चलो चलो। जग की कोई Seeing eyes of mine, what do you feel beside? Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. खाओ ना। mm-hmm. लो मेरे हाथ से खाओ। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, वैसे मैंने आपको आज तक कहा नहीं, लेकिन आप ये जो ग्रूमिंग सेट चलाती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी वजह से कितने लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है। बहुत अच्छी हैं आप। लाइन मार रहे हो? अरे
नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। पता है, एक तुम ही हो जिससे मेरी ग्रूमिंग सेंटर अच्छी लगती है, वरना वेद और उसके पेरेंट्स, उनको मेरा ग्रूमिंग सेंटर पसंद ही नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने तो मेरा अच्छा खासा मॉडलिंग करियर ही बर्बाद कर दिया। वेद और मैं कॉलेज में मिले थे, उस वक्त मैं पेजेंट्स में बहुत पार्टिसिपेट करती थी। मेरा तो फिक्स था कि मुझे आगे मॉडलिंग ही करना है। उस वक्त वेद भी काफी सपोर्टिव था और गुड लुकिंग भी। फिर हमारी शादी हो गई, उसके बाद वेद का असली चेहरा सामने आया। उसे मेरी हर चीज से प्रॉब्लम थी, मेरे मॉडलिंग करियर से, मेरे बाहर जाने से, एवरीथिंग। और फिर इन लॉस का प्रेशर, रोज लड़ाई झगड़े होते थे। और वेद का तो कोई सही ही नहीं था, हमेशा की तरह वो तो मैं थी, इसलिए इत्तेसाल निभा लिया। मेरी जगह कोई और होती तो कब का भाग चुकी होती। लेकिन ये तो गलत बात है, अगर उनकी जगह मैं होता तो आपको आपके Now plan 2. Attract. ये सुबह सुबह आपने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? आपको पता ना हो तो बता दूं कि मुझे पानी से डर लगता है। कि ज़्यादा गहरा नहीं आ रहा। आराम से। हाँ, वेरी गुड। ओ गॉड आरव, देखो मैं पीछे नहीं मुड़ सकती, पर वेरी क्वाइटली मेरे पीछे देखो, थर्ड फ्लोर वाली विंडो। ये तो पीयू है, लेकिन इसने आपको देख लिया तो? इतनी दूर से मुझे नहीं देख पाएगी। वारफ इतने मजे कर रहा है, और ये फेद बस सोता रहता है। और अगर वेद आ गया तो? अगर वो आके कुछ बोलेगा तो एक खींच के लगा देना उसे। खींच के लगा देना? लेकिन मैंने तो आज तक किसी पे हाथ भी नहीं उठाया, मुझसे लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। ओके मिस्टर फट्टू, हाथ पकड़ो मेरा। अनन्या जी, वो सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज फेक से, तुम्हारे सोशल मीडिया के लिए तुम्हारी पिक्चर्स क्लिक करती हूँ अच्छी वाली, ताकि तुम्हारी वो सोशल मीडिया क्वीन को दिखाई दे करीब से कि वो क्या मिस कर रही है। जाओ पोज दो। ये कैसा पोज दे रहे हो? थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाओ, ऐसे हैंड्स को रेस्ट करो, बालों को ऐसे ऐसे करो, पानी से भिगा के भिगा के। अब स्माइल। और फीलिंग। धड़कनों के लय पे चल कर आ गई हूँ तेरे दिल तक। और फीलिंग। तेरा मेरा मेरा तेरा सरा सरा डरा मेरा सर शिकाय तेरे दिल का। और फीलिंग। और फीलिंग। I had fun today. Yeah, me too. Yes. क्या हुआ? पीहू ने जस्ट मेरी स्टोरी को लाइक किया है। आपका प्लान काम कर रहा है। अब पीहू जल्दी मेरे पास वापस आ जाएगी। Of mine.
beside. I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll try and to fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong. मैंने मना किया था ऑलिव्स डालने के लिए, फिर भी डाल दिए. आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं वो तुम पीहू को इतनी आसानी से माफ कर दोगे? हाँ, आई मीन आप किसी से प्यार करते हो तो उसकी छोटी मोटी गलतियां तो माफ कर देनी चाहिए ना. छोटी मोटी गलती? वो किसी और आदमी के साथ भाग गई, वो भी तुम्हारे जैसे जेन्युइन और साफ दिल के इंसान को छोड़ के. मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो. मैंने मना किया था ऑलिव्स डालने के लिए, फिर भी डाल दिए. वो किसी और आदमी के साथ भाग गई, भी तुम्हारे जैसे जेन्युइन और साफ दिल के इंसान को छोड़ के. पीहू इज द ओनली गर्ल आई हैव एवर लव्ड. उसके बिना तो मुझे यह भी नहीं पता कि मैं कौन हूं. पीहू के बिना तुम एक फनी, कॉन्फिडेंट, थोड़े से अजीब बट एक बहुत अच्छे इंसान हो. चाहती थी कि आरफ को पीयू मिल जाए और मैं वेद से बदला ले लूं, तो फिर ऐसा होने पे मुझे बुरा क्यों लग रहा है? फाइनली मैं पीयू का होने जा रहा हूं, पर मुझे इस बात की खुशी क्यों नहीं हो रही है? आपको क्या हो रही है? इसमें देखिए, ये वाले में वेद, राइट? हाँ भाई, वेद तो मैं ही हूं. पर तू मुझे ये बता कि चक्कर क्या है? तो कुछ भी कर ले बेटा, पीहू वापस तेरे साथ तो नहीं जाने वाली. वापस? अरे नहीं नहीं नहीं, पीहू तो आप ही को मुबारक हो. क्या 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 मतलब? बता दो. नाउ फाइनल प्लान 3, टेक बैक. इसमें हम दोनों उनसे अलग अलग मिलके उनके बीच कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे. अब वो सारे खर्चे तुम्हें उठाने पड़ेंगे, तो सेविंग्स अच्छे से रखना अपने पास, ठीक है? वैसे तो शी इज नाइस, वेरी स्वीट गर्ल, लेकिन बहुत कंट्रोलिंग है यार. क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, यहाँ तक कि मैं छींक दूँ तो बोलते क्यों छींके? इतना कंट्रोलिंग कौन होता है? रात को तो वो बिना शर्ट पहने सोता है. इतनी बदबू मारता ना, क्योंकि कभी कभी तो आलस की वजह से नहाता ही नहीं है. एनाकोंडा की तरह पूरा चादर को लपेट के सोती है. कौन सोता है? काम करना ना उसे कुछ भी नहीं आता, सारे काम ना वो सिर्फ तुमसे कराएगा. देखो मेरे तो काम कर करके सारे हाथ भी फट गए, तुम्हारे हाथ देखो बेचारे, ये भी बहुत जल्दी जाने वाले. दिखने में बड़ी स्वीट सी लगती है, लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो कुछ भी उठा के फेंक देती है. अरे सर फोड़ देती है, हाथ पैर तोड़ देती है. मुझे पता है, देखकर उसको ऐसा लगा नहीं होगा, लेकिन अगर कभी गुस्सा ना तो संभल के. इतने अच्छे से बॉडी वॉडी बनाई है, क्या मतलब हाथ पैर टूट जाएगा? Thank you.
वे बाथरूम भी नहीं सकते, वो इतना बोला है, अगर मैं सब कुछ भी कहूँ ना तो। और आपका भी वो बदला पूरा हो गया ना पेज से, इंतकाम एंड ऑल। थैंक यू। कुछ कहा तुमने? आप जो ग्रूमिंग सेट चलाती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी है आप। ट्रू लव मींस बिलीविंग इन योर पार्टनर। अगर उनकी जगह मैं होता तो आपको आपके करियर में जरूर सपोर्ट करता। पत्नी का ये कर्तव्य है कि वो अपने फेक पति को एनकरेज करे। एंड डोंट चेंज, तुम जैसे हो परफेक्ट हो। मैंने मना किया था ऑलिव डालने के लिए, फिर भी डाल दिया। मुझे भूलना मत, ठीक है? I'm so sorry. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। I love you. Will you forgive me? वो किसी और आदमी के साथ भाग गई, वो भी तुम्हारे जैसे जेन्युइन और साफ दिल के इंसान को छोड़ के। व्यू के बिना तुम एक फनी, कॉन्फिडेंट, थोड़े से अजीब बट एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुझे इस हालत में देख के ना मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। तुम क्या कर रही हो? तेरा काम तमाम। आरफ को मैं यहाँ लेकर आई, पीयू तेरे बीच डिफरेंसेस भी मैंने क्रिएट करवाए। व्हाट? लेकिन क्यों? आरफ सही कहता है, तू ना बड़ा बेवकूफ है। माई डियर डम हस्बैंड, तूने मुझे छोड़ने की जरूरत जो की थी। दिल्ली से यहाँ तक तुम्हें ढूंढते हुए आया था, सोचा था कि ना जाने क्या क्या कहूंगा तुमसे मिलके, लेकिन अब सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, आई डोंट लव यू। व्हाट? हमारे बीच जो कुछ है मैं उसे सच्चा प्यार समझता रहा, जबकि सच्चा प्यार क्या होता है ये तो अनन्या ने मुझे बताया। अनन्या? रेत वाली अनन्या? उसने मुझे बताया कि सच्चा प्यार क्या होता है, उसने मुझे मेरी खुद की इज्जत करना सिखाया। और आखिर में मैं सिर्फ तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आई डोंट लव यू एंड बाय। बेवकूफ तक तो सही था, तेरा तो टेस्ट भी खराब है। तो मुझे छोड़ के उस घटिया पीहू के पास गया? कौन से? तेरे जैसा घटिया और नीच इंसान ना मैंने आज तक नहीं देखा है। तुझे ना कहीं डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि तेरे जैसा बेवकूफ लोगों को। अरे मैं
फायर बिल्डअप कर रहा था तुम्हारे लिए। अभी चलें इसके पहले कि उड़ जाए, हम दोनों से संभाल नहीं पाएंगे। एक मिनट डिवोर्स पेपर भेज दूंगी, अंगूठा लगा दियो। चल एक सेकंड। क्या हुआ? हमारा लगेज तो वहीं भूल गए, मैं लेकर आता हूँ। इधर आओ। क्या हुआ? उस लगेज को भूल जाओ। Think about my baggage. My emotional baggage. मैं तो अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ आई, पर बैगेज अभी भी बहुत है। मैं भी एनाकोंडा की तरह चादर लपेट के सोती हूँ। मैं अपना मॉडलिंग करियर नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना ग्रूमिंग सेंटर भी चलाऊंगी, और मैं बहुत जेलस टाइप भी हूँ, कंट्रोलिंग भी। और अगर किसी लड़की की तरफ तुमने आंख उठा के भी देखा तो मैं आंखें नोच लूंगी। और पीएमएस के ड्यूरिंग तो मैं अनकंट्रोलेबल हो जाती हूँ। कैन यू हैंडल दैट? सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा उस 100 किलो का बैगेज आ गया ना, उसे नहीं संभाल पाऊंगा।